भारतीय जनता पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने मिशन 2019 के तहत लोकसभा की 400 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि करीब 120 सीटों पर विपक्ष को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी अब इन्हीं 120 सीटों पर कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत काम करेगी। बीजेपी ने अपने मिशन के तहत इन सीटों की पहचान कर ली है और पार्टी अब इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एक रणनीति के तहत काम करेगी। पार्टी इन सभी सीटों पर अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे उसे मिशन को कामयाब करने में सफलता हासिल हो सके। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल का समय बाकी होते हुए भी इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा चलाई गई 15 दिनों की विस्तार यात्रा इसी मिशन की एक कड़ी है। इस विस्तार यात्रा में पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वहीं बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। यहां पर भी उसने अपने जनाधार को बढ़ाने के मकसद से काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि नई जगहों पर शुरुआत करने से बीजेपी को जरूर फायदा होगा और वो पिछले लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम ला सकेगी। टीम इंडिया लिंक्स।